एक बार भगवान के लिए माँ यशोदा दही का मंथन कर रही थी। गोपियों ने कहा मैं कर दू कहा नहीं नहीं आप ये काम करो आप ये काम करो कर मंथन मुक्ता सुख, क्योंकि घर का हर कार्य किसी को सौंप दो पर भगवान का कार्य जहां तक संभव है हमें स्वयं करना चाहिए। और क्या है बोले यानी है गीता निर्मंथन काले स्मरण के भगवान ने जिन जिन लीलाओं को किया है उन्हें उन लीलाओं का दान भी करते जा रहे हैं। तरह तरह की लीला भगवान ने की थी उन लीलाओं का दान भी कर रही हैं। ऐसे हम लोग आप लोग काम करते रहो रसोई बनाते रहो आप उसमें बैठे रहो खाली समय मिले भगवत नाम संकीर्तन करते रहो हर कोई गुनगुनाता है गुनगुनाते रहो मन ही मन भगवान के गुणान गाथ का गायन करते रहो बिना पार। लेकिन गुनगुनाते तो हैं पर भगवत संबंधी भी हम नहीं जानते यही हमारी भूल है। माँ यशोदा भगवत संबंधी ज्ञान यानी गीता तद्भाव चरिता चि निर्मंथने काले स्मरण के तान गाय। अच्छा मैया यशोदा ने बस प्रभु बड़ा सुंदर पहना है कौन सा बोले छौमम बासह प्रभुपति कवि विभ्रति सूत्र नद्दा पुत्र स्नेह स्मृत कुछ युगम जात कंपम च सुभ्रूः रेशमी वस्त्र पहने हैं और करती जा रही है। माँ यशोदा के जूड़ा में जो पुष्प लगा है मानो वह पुष्प जूड़े से टूट करके माँ यशोदा के चरणों में गिर करके कहना चाहता है कि माँ आज तो धन्य है जो भगवान की सेवा में लगी है इसलिए मेरी शोभा तेरे सिर पर नहीं मेरी शोभा तेरे चरणों पर है। मानो कंगन ने आज माँ यशोदा से कह दिया कि मैया आज मैं धन्य हो गया क्योंकि तेरे हाथों से आज भगवान की सेवा हो रही है। भगवान ने आकर के मैया यशोदा की मथानी को पकड़े लिए बस मैया हो गया अब इतना से काम चल जाएगा। यशोदा ने कहा कि मैया तेरे लिए ही तो कहीं काम कर रही है बोले मैया बस इतने से काम बन जाएगा क्योंकि मैया के मस्तक पर पसीना आ गया कन्हैया से नहीं रहा तो कहा गया तो कन्हैया को उठा करके मैया यशोदा ने अपने गोद में ले लिया और मैं दही का मंथन करना बंद कर दिया और भगवान को अपना ही पैपान कराने लगी। भगवान दूध पीने लगे थोड़ी दूर में अग्नि में जो परमगंधा गाय का दूध उबल रहा था उसने उबल उबल करके अपना प्राण अग्नि में देने लगा। तो भगवान कन्हैया ने सोचा कि दूध अग्नि में गिर रहा है इसलिए कन्हैया को नीचे उतार दिया और स्वयं दूध को ठंडा करने चली गई। भगवान ने सोचा बाजी मैया यशोदा तू पैसा के दूध के लाइन तने को नीचे उतार दियो अब तो आज के बाद मैं तेरा नुकसान करूँ। तो भगवान को अभी तक दूसरे का नुकसान करते थे आज मैया यशोदा का नुकसान करने लगे। उठा करके एक लोढ़ा आप जानते होंगे लोढ़ा को उठा करके मटके पर मार दिया राम से मटका फूट गया और दही बिखर गया। मैया यशोदा का गुस्सा आ गया मैया यशोदा छड़ी लेकर के भगवान को पकड़ने के लिए आज इसको पकड़ूंगी और इसको दंड दूंगी दौड़ करके पकड़ना चाहती है। हरे हरे कदम की हरी हरी छड़ी लिए